तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं दया कोर्स एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल एक्सेल 2019 के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे इस पूरी कोर्स के अंदर में। और हमारा पहला क्लास है और मिस्टर वीर सिंह जी हमारे साथ हैं, मैं उनको वेलकम करना चाहूंगा इस क्लास में। मिस्टर वीर सॉरी मिस्टर वीर सिंह यस सर ओके। तो हम सबसे पहले इस चीज के बारे में जानेंगे कि आखिर हम एक्सेल का अपने ऑफिशियल लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। आप थोड़ा बहुत जानते हैं, आप इससे कई सालों से काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अगर आपसे पूछा जाए तो एक प्रोफेशनली जो मान लीजिए आपको पूछा जाए कि आप एक्सेल से क्या क्या कर सकते हैं, एक जवाब एक प्रोफेशनल जवाब होना चाहिए जो हर किसी को अट्रैक्ट करे, हर किसी को संतुष्ट करे। ओके या फिर आपको भी हो कि हम एक्सेल को कितने जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो राइट हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं यूज ऑफ एक्सेल के। राइट, पहले हम एक्सेल का यूज करते हैं डेटा स्टोर, आप कह सकते हैं डेटा एंट्री। लेकिन एक बात जान लीजिए, डेटा स्टोरेज में तो हमने किया, लेकिन एक कोई डेटाबेस नहीं है, क्योंकि डेटाबेस के बहुत सारे नियम को फुलफिल नहीं करता है। ओके, सो दिस इज नॉट ए डेटाबेस, राइट? राइट, अब बात करते हैं दूसरी चीज पे कि फिर हम डेटा स्टोरेज क्या करते हैं। तो हम इसके स्मॉल मिलियन डेटाबेस को एंट्री करते हैं या फिर जो एनालिसिस डेटा है उसको स्टोर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास पूरा सिस्टम में पूरा डेटा है, लेकिन आपको एनालिसिस करना है मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, उसकी सेल के ऊपर, तो आप अपने जो भी आपकी ईआरपी है वहां से उसी प्रोडक्ट का डेटा डाउनलोड करके एक्सेल पर रखेंगे और उसको रखने के बाद आप उसको एनालिसिस करेंगे, राइट? तो हम डेटा को दो तरह के डेटा स्टोर करते हैं, पहला मिसलेनियस एंड शॉर्ट मीडियम डेटा। मिसलेनियस डेटा जैसे मान लीजिए आप टैली यूज करते हैं, तो पूरी अकाउंटिंग डिटेल आपकी टैली है, लेकिन फिर भी आप एक्सेल यूज करते हैं, क्यों? जैसे मान लीजिए पेटी कैश, आप पेटी कैश की रुपए की प्रोसेसिंग कराई, 10 रुपए की चाय पी, लेजर तो टैली में नहीं कैलकुलेट क्रिएट करेंगे आप, और टैली में दिन भर में मान लीजिए 5,000 रुपए महीने में खर्चा होता है, उस 5,000 रुपये तकरीबन हमारी 150 या 1,000 एंट्री होती, तो 1,000 एंट्री थोड़ी करेंगे एक्सेल में, बोले इस पे का बोलते टैली में। तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए एक एक्सेल रूटीन। तो ऐसे आपके कंपनी में भी बहुत अलग अलग कंपनी में अलग अलग सॉफ्टवेयर होंगे, ठीक है, राइट? लेकिन फिर भी हम एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें अपने डेटा को स्टोर करना, राइट? और डेटा एंट्री भी तो सेम ही चीज है कि अगर आपको मान लीजिए कि 10 पेज की डेटा एंट्री करवानी है, उसके लिए आप डेटा एंट्री का सॉफ्टवेयर ही परचेज करेंगे, इसी पे एंट्री कर लेंगे, बिल्कुल। तो मिसलेनियस एंड एनालिसिस डेटा को, स्मॉल डेटा को स्टोर करते हैं एक्सेल, राइट? पहले चीज समझ गया, राइट राइट। दूसरा पार्ट हमारा होता है, वो होता है हमारा कैलकुलेटर इन्फॉर्मेटिक। एनालिसिस करते हैं तो उस एनालिसिस के लिए हमें उसकी फॉर्मेटिंग चाहिए होती है, मतलब कि एक रिपोर्ट का आउटले। क्या जैसे कि ये देखिए ना, ये बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको दिख रहे हैं, इसमें फॉर्मूला वगैरह लगाया गया है, वो तो लगाया गया, लेकिन इस तरह से उसको प्रिपेयर किया गया है, उसकी फॉर्मेटिंग की गई है, तभी तो उसे फॉर्मूला और बाकी चीज लगने के बाद डेटा एनालिसिस की। तो फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं, एक फॉर्मेटेड कैलकुलेशन के लिए ही हेलो सर, 2 मिनट का ब्रेक लेना चाहूंगा, 2 मिनट का ब्रेक। सर हाँ सर, थोड़ा सा आवाज भी मतलब कि थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही थी। नहीं सर, आपके एंड से, आप मेरे एंड से नहीं है, क्योंकि मेरा फाइबर लाइन है 50 Mbps। अच्छा वो आप ही एंड से होगा, देखिए
ठीक है सर, आप ये कर लीजिए। तो हम बात कर रहे थे एक्सेल में कैलकुलेशन का अच्छा खासा रोल है, ठीक है। देखिए हम 20 और प्लस 30 है, हम इसको इजीली आपस में सॉल्व कर सकते, क्यों? क्योंकि एक्सेल में हर सेल का एक अपना एड्रेस होता है, ये F4 G4 F कॉलम एंड G फोर। तो हम इंडिविजुअली एक सेल के ऊपर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बाकी डेटाबेस जो है जैसे कि आपका SQL है, आपका Express है, आपका Oracle है, उन सबों में क्या होता है, तो फील्ड के अकॉर्डिंग जा चलती है और कैलकुलेशन को फील्ड को करते हैं। आप भी कैलकुलेशन के लिए बहुत ही अच्छा स्कोप है एक्सेल के अंदर, तो एक्सेल के अंदर में किसी भी तरह की कैलकुलेशन को हम इजीली कर सकते हैं, राइट। कैलकुलेशन के बाद हम बात करते हैं एनालिसिस, और दूसरा होता है आपका इंटरफेस। एनालिसिस का इंटरफेस ही रहेगा, एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन का, और तीसरा आपका आता है सेट। एनालिसिस मतलब कि हम डेटा पे इजीली एनालिसिस करके उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। अगर मुझे कोई हमें एनालिसिस या रिपोर्ट होता है क्या, एक इंफॉर्मेशन होती है, राइट? राइट। इजीली इसको निकाल लेते हैं, इतना फास्ट किसी और पे नहीं होता। जैसे मान लीजिए डेटा है एक सेल्स यहाँ पे, राइट, मुझे पता करना है कौन सा कि किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी किस एवरेज एमआरपी से हुई। तो इस इंफॉर्मेशन को देखने के लिए मुझे, निकालने के लिए मुझे मुश्किल से 2 मिनट का टाइम भी नहीं चाहिए। मैं बड़ा अच्छा कीमत लगाऊंगा प्रोडक्ट पे, यहाँ रखूंगा और मैं क्वांटिटी को यहाँ रखा और मैं एमआरपी को यहाँ रखा और एमआरपी का सम है उसको मैंने अब इसको हम फॉर्मेटिंग फॉर्मेट वाले चैप्टर्स की फॉर्मेटिंग करके एक रिपोर्ट बना देंगे और रिप्रेजेंटेशन चार्ट के जरिए एक रिप्रेजेंटेशन और इस रिपोर्ट को हम भेज देंगे। सेलिंग, अब सेलिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेलिंग नहीं होता कि बाकी चीजों पे उतना ध्यान नहीं देता। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास टैबलू भी है, मेरे पास पावर भी है, अब मैं टैबलू की फाइल आपको भेज दूं तो क्या उस फाइल का काम कर पाएंगे? नहीं। क्यों? इसलिए आपको टैबलू का सॉफ्टवेयर होना चाहिए या पावर बी आई का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अब हर कोई इस आपकी फाइल को देखने से पहले वो सॉफ्टवेयर नहीं करेगा ना, तो यहाँ पे दिक्कत होती है। लेकिन एक्सेल हमने आपको भेजा तो मोस्टली लोगों के सिस्टम में एक्सेल होता ही है। अगर एक्सेल नहीं है उनके पास क्या होगा, उनके पास आपका कोई ऑफिस ओपनर होगा, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो अपनी इंटरनेट ब्राउजर से जीमेल वगैरह है उस पर भी वो क्लिक करके अपनी फाइल को देख सकते हैं, राइट? देख गया।
तो इसलिए एक्सेल पॉपुलर है। एक्सेल पॉपुलर होने के पीछे रीजन है, बाकी चीज तो है लेकिन शेयरिंग इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। शेयरिंग नहीं होता तो दिक्कत होता, तो इजिली हम फाइल शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप कोई व्हाट इज द यूज ऑफ द एक्सेल, तो हम बोल सकते हैं यूज द एक्सेल फॉर डेटा शीट्स विद डेटा एंट्री क्रिएट फॉर्मेटेड फॉर्म नहीं नहीं एक्चुअली देखो सर, एक्चुअली द वे यू आर एक्सप्लेनिंग दैट इज वेरी फाइन। एंड जो आप बोल रहे हो कि कम्युनिकेशन, देखो सर कम्युनिकेशन हार्डली मैटर। मैं आपको जैसे ये होता है ना कि यहाँ पे देखो एग्रीड की कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। अगर मान लो जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पे कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि HR जो है वो उनके कम्युनिकेशन चाहिए। मैंने 3 इंटरव्यू में गया था, मुझे कंपनी इसलिए रिकमेंड तो कर दिया, मैं गया इंटरव्यू देने के लिए, अच्छी लगी। तो जो HR थे इंग्लिश में मुझसे पूछ रहे थे बातचीत, उनसे क्या बोला होता है हिंदी, तो बोलता है यस, बोला आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हिंदी। मैं वही बोल रहा हूँ सर, तो मुंह पर सुने वो मुझे तो मैं शक्ल देखने लगी, बोलती क्या है भाई। एक्चुअली मैं आपको वही बता रहा हूँ कि देखो एक्चुअली जब इंटरव्यू वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ पे लोग मतलब कि कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, उसके बाद फ्लोर पे आने के बाद कौन इंग्लिश में बात करता है। हाँ वही नहीं, मैं मुझे जरूरत पड़ती है कि बेसिकली क्या है कि मेरा मार्केट जो है इंडिया में जो मार्केट है, नॉर्थ इंडिया का मार्केट है वो तकरीबन 50% है, और बाकी जो हमारा 55-60% है इज साउथ इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया, और वहां वो इंग्लिश में ही जाना पड़ता है। तो ऐसा कर सकते हैं कि देखो सी एक्चुअली वेयर एवर यू आर गेटिंग स्टक, I don't know how much see it is our first meeting which we are कोई बात नहीं सर, इंग्लिश में मारिए बोलिए, हम हिंदी में चलते हैं। मैं ऐसे बोल रहा था कि थोड़ी सी नहीं देखो ये जरूरी भी है, देखिए बीच बीच में मैं थोड़ा सा मजाक भी करता हूँ ताकि आपका मन लगा रहे। बिल्कुल 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 मैं समझ सकता हूँ। ये पता चल गया आपको, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं एक्सेल की एड्रेसिंग सिस्टम के बारे में। राइट, सिस्टम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, अगर आप समझ जाए तो अभी तो ठीक है, काफी ज्यादा हेल्प करता है। एड्रेसिंग सिस्टम का मतलब ये हुआ कि हर एक सेल का अपना एड्रेस, जैसे कि A1, राइट, A1 मतलब कि A कॉलन एंड 1 रो, नंबर जो हुआ रो हुआ और जो अल्फाबेट हुआ आपका कॉलन हुआ, राइट। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे कभी हम फॉर्मूला में इस नंबर्स को यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया इक्वल A1, मतलब है कि जो एक्टिव सीट है एक्सेल सीट, कौन सा है 2 है ना आपका, एक्सेल सीट 2, राइट, एक्सेल नहीं एक्टिव सीट, हाँ एक्टिव सीट इज 2, हाँ एक्सेल सीट 2 है। तो जैसे हमने पर सिर्फ रेफरेंस लिख दिया तो क्या हो गया, वो उसी सीट जिस सीट पे हम लगा रहे हैं फॉर्मूला उसी सीट का वो रेफरेंस ले लेगा। लेकिन आपको किसी अनदर शीट का रेफरेंस दे रहा है, जब मुझे A1 तो चाहिए तो शीट 3 का A1 चाहिए, तो मुझे यहाँ पे शीट 3 का भी एड्रेस देना है, शीट 3 B5, और रेंज और सीट के बीच का सेपरेशन क्या है, सेपरेशन है एक्सक्लेमेशन मार्क। मुझे तरह से कि अगर हम दिल्ली में मिलेंगे तो हम पूछेंगे कि आप कहाँ रहते हैं, तो आपका कि हम कनॉट प्लेस रहते हैं, हम बसंत विहार रहते हैं, आप ये नहीं बोलेंगे राइट इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर बसंत विहार रहता है, राइट।
यहाँ कोई सिस्टम हुआ कि अगर आप सेम सीट पे लगाना है तो आपको सीट का जरूरत नहीं है, पर अनोदर सीट्स को लिंक करते हैं तो सीट का इंफ्लेंस गिरा है। जो कोटेशन मार्क है सॉरी क्या बोलते हैं उसको है लेकिन अभी आपको स्क्वायर ब्रैकेट में दिख रहा है क्योंकि अभी जो हमारा सेल्स डॉट xlsm फाइल है वो हमारा ओपन है, हमारा एक्टिव है। मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब देखिए यहाँ पे इसका पूरा पाथ है, अब पूरा एड्रेस आ गया। हाँ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर आपके फाइल में तो पूरी पूरी पाथ है बट मेरे फाइल में नहीं आ रहा। जब आप फाइल को ओपन करेंगे तो सिर्फ फाइल का नेम दिखेगा, जब आप फाइल को क्लोज करेंगे तो पूरा पाथ। लेकिन फाइल और सीट के बीच का जो सेपरेटर है वही रहेगा जो पहले। राइट ओके राइट ये हमारा एड्रेसिंग सिस्टम है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं चलिए। अब जैसे कि अब हम बात एडिशन सिस्टम बात करते हैं तो हम कैलकुलेशन की भी थोड़ी सी बात कर ले ताकि आपको कुछ और समझ आए। जैसे मुझे ये नंबर्स हैं, मुझे सारे नंबर्स के ऊपर 20 को ऐड करना है, जितने भी नंबर्स हैं सारे नंबर्स में हमें 20 ऐड करना है। तो इसलिए क्या करेंगे, इसलिए करेंगे इक्वल और इसमें हम इसके रेफरेंस ले लेंगे प्लस। मतलब कि हम ऐसा भी कर सकते हैं इक्वल 85 प्लस 20 भी कर सकते हैं, बट फिर हमारे सेल को लिंक नहीं करेगा और सेल को लिंक ना करने का मतलब है कि सेल की वैल्यू चेंज होगी तो आपको चेंज नहीं है। राइट ठीक है राइट। तो A1 प्लस 20 मतलब A1 नहीं कर रहा है, A1 एक रेफरेंस है, एक सेल है, एक एड्रेस है, उसकी वैल्यू पे प्लस 20 कर रहा है। राइट अब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं, अब मुझे हर सेल में फॉर्मा लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो जानते ही है, मैं बता रहा हूं आपको राइट में लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे जो हम किसी भी सेल्स को नीचे ड्रैग करते हैं तो हमारा रेफरेंस जो है हमारा सेल एड्रेस है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है। राइट तो जहां है उससे वो अपने चारों तरफ से चलेगा, ऊपर आगे पीछे चलेगा तो इंक्रीज या डिक्रीज होगा। यहाँ पे देखिए A1 था A2 हो गया, इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये हुआ कि हमें अगर लाखों का डेटा है तो हमें फॉर्मूला किसी एक सेल पे ही लगाना है, बाकी सेल उस फॉर्म पे ऑटोमेटिक असर लग जाएगा। ये बेनिफिट है, डायनेमिक कर सकते हैं। हाँ अब मान लीजिए आप सोचिए कि आपके पास अगर ऐसे फीचर नहीं होगी तो आपको अगर लाख है तो लाख और फॉर्म पर लगाना पड़ता है। लेकिन ये फीचर कभी कभी हमें दिक्कत भी दे देता है, जैसे कि हमने यहाँ पे D20 कर दिया। अब मैं यहाँ पे प्लस 20 को D1 के ऊपर रख दिया, D1 कर देता हूँ। अब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो A1 A2 होगा तो D2 होगा राइट। तो मुझे अब A1 को फिक्स करना है। हम इसको फ्रीज मतलब कि एब्सोल्यूट कर देंगे तो वन से पहले हमने डॉलर का साइन लगा लिया एंड यहाँ पे हम नीचे ड्रैग कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि D1 फिक्स है राइट नहीं चेंज हुआ, लेकिन हमने सिर्फ वन के आगे डॉलर खेल रहा है।
हमने आपको बोला कि जो भी रेफरेंस है उसमें ट्रेक्टर आपका और नंबर रो है, तो हम क्या ट्रेक कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम में हमारा रो नंबर चेंज होता है, कॉलम चेंज नहीं होता। सो वी नो दैट हमने नहीं बनाया है, लेकिन अगर कॉलम के आगे भी लगा दें तो फिर क्या होगा, आप कहीं भी ड्रैग करें, जैसे मान लीजिए ऊपर वाले कॉलम ड्रैग का मैं करता हूं, पर जब मैं इसको करता हूं नीचे वाले को तो हमारा डी चेंज हो जाएगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जब आप फॉर्मूला लगाए तो फॉर्मूला को जब ड्रैग करें तो कहां पे रो बढ़ना चाहिए, कहां पे नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए और कहां पे कॉलम चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड्स करता है। राइट, ठीक है, राइट, समझना है आपको, राइट, बिल्कुल सर। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम था, इसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले से बताया आगे बढ़ने वाली कंडीशन को समझ। राइट, कुछ जो चीजें हैं सर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें आपको ना आता हो, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस सिलेबस को फॉलो कर रहा हूँ मैं, आपको जीरो से बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम बात करते हैं किसी भी, जैसे मान लीजिए कि कंडीशन फॉर्मेटिंग, कंडीशन फॉर्मेटिंग के बारे में आपको पढ़ा दिया, बट ये भी फ्यूचर में अगर आप भूल जाते हैं या फिर आपको सब कुछ पता है पर थोड़ी सी हिंट की जरूरत, ये तो होता है सब कुछ पता रहता है तो थोड़ी सी हिंट मिलते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए आपको गूगल करने की जरूरत नहीं, आप ऊपर कर्सर रखें आपको आपका स्क्रीन की फील मिल जाए। अब इससे भी आपको सुन नहीं समझ में आ रहा है, टेल मी मोड पे चलते हैं। टेल मी मोड पे जाते ही आपका एक्सेल का है मतलब कि यूजर मैनुअल खुल जाए। अच्छा उसका एक्सेल जनरली तो हम लोग की है, बट आप एक्सेल हेल्प में सर्च क्यों करते हैं, तो पहले जाके सर गूगल पे आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो रिजल्ट्स कहाँ से मिलते हैं, किसी की वेबसाइट, किसी की आर्टिकल, अब हम कैसे ट्रस्ट करेंगे वो प्रूफ रीड है, लेकिन एक्सेल हेल्प में जो चीजें दी गई है प्रूफ रीड है, वो हमें ट्रस्ट है कि 100% करेक्ट हो। और बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर वीडियो कॉल इंटरनेट से नहीं चल, तो मैंने बोला कि इंटरनेट पे दिया हुआ कोड है जरूरी नहीं सही हो, हो सकता है या फिर वो उसके पीसी के अकॉर्डिंग हो, तो आपका पीसी का कुछ और चीज होगा उसके अकॉर्डिंग थोड़ी चलेगा। तो उसी तरह से आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप गूगल हेल्प में ही सर्च ढूंढते कि आप देखिए कंडीशन फॉर्मेट एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, तो किसके ऑप्शन सर्च करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि मैं जानना चाहता हूँ एक्सेल की लेमिनेशन, ऐसी चीज को ये कि मुझे पता होना चाहिए कि किस किस ऑप्शन का लेमिनेशन क्या है, कितने कॉलम ऐड कर सकते हैं, कॉलम की साइज भी घूम सकती है, कितने नंबर शीट्स हैं, कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको इसी सर्च बार पे सर्च करना है लिमिट्स या लिमिट, एक्सेल स्पेसिफिकेशंस एंड लिमिट्स पे जाइए, आपको देखिए क्या राइट। अब इसको मैं नहीं कहता कि संस्कृत की श्लोक की तरह इसको रट जाइए, लेकिन कैजुअली एक बार रीड कर लीजिएगा, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है, हमेशा तो इसकी कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, इसलिए मैं पहली बार लिख दे दिया, आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज शॉर्टकट, अब मुझे बच्चे शॉर्टकट्स में बड़े परेशान करते हैं कि सर फलाने ऑप्शन का शॉर्टकट क्या है। देखिए कभी एक जमाना था जो बहुत अच्छा कमांड था, लेकिन पिछले 7-8 सालों से जब मैं पूरी तरह से ट्रेनिंग में आ गया तो शॉर्टकट का यूज बहुत कम करता,
कीवर्ड में कोई ऐसी पिक की ट्रेस की तो आपको पता थोड़ी चलेगा कि मैंने कौन सी की ट्रेस की है। लेकिन इसलिए मैं आपको पहले दिन में शॉर्टकट की पूरी लिस्ट दे देता हूं, आप उसको निकाल कर देख लीजिएगा। तो जैसे शॉर्टकट सर्च कीजिएगा, शॉर्टकट यहाँ पे कीबोर्ड एंड शॉर्टकट एक्सेल दिख जाएगा, और यहाँ आपका शॉर्टकट, तो सारे शॉर्टकट यहाँ पे दिए हुए हैं। राइट राइट, आप ये 19 यूज कर रहे हैं ना? हाँ मैं ऑफिस 365 है, 365 है आपका, ठीक है, राइट सर। तो इसके बारे में आ गया, तो आप लिमिटेशन को पढ़ लीजिए और आप पढ़ लीजिए शॉर्टकट्स, दो चीज आपको पढ़ना है। ये जो आपने बताया, ये जो आपने बताया कि ये मैं जा करके एक्सेल में, हाँ आप अपने कीबोर्ड का F1 प्रेस कीजिएगा तो आपको आ जाएगा F1 में ना, F1 हाँ, राइट, एक्सेल हेल्प करके आ गया, राइट, हाँ उसी के सर्च बार में सर्च कीजिए। हाँ जी हाँ जी, वो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, वो अपडेट होते रहता है, तो कुछ तरह का प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के आपको वहां पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके ठीक है, राइट सर, चलिए आगे बढ़े। यस श्योर श्योर। अब शॉर्टकट की हम बात कर रहे थे, तो शॉर्टकट पे ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिए कि आपका जो मेनू बार है उसके हर चीज के लिए शॉर्टकट अवेलेबल नहीं। अच्छा, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि शॉर्टकट के लिए अवेलेबल नहीं है तो कैसे पता, तो मान के मुझे अप्लाई करना है बॉर्डर और मैं माउस से नहीं करना चाहता, मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट की को प्रेस करूंगा, ऑल्ट की को प्रेस करते देख रहे ऊपर होम मेरे होम मेनू बार में आ गए, राइट सर। अब इसी में मैं एच प्रेस करता हूं तो पूरे आ गए, राइट, बी प्रेस किया और एफ फॉरवर्ड, तो कल याद हो गया मुझे कि ऑल्ट बी एच ए और बी एच एस से होम, बी से बॉर्डर, ए से ऑल्ट, राइट, तो इसमें से आप ऑल्ट ही प्रेस करके भी अपने सिस्टम में Sure. आपका कीबोर्ड का राइट क्लिक करने का जो ऑप्शन होता है, राइट क्लिक का ऑप्शन है, चाहे राइट क्लिक कीजिए या फिर ऐसे ही बहुत सारे कमांड्स में बहुत सारे ऑप्शंस के नीचे अंडरलाइन लगा है, जैसे कि देखिए कट में टी के नीचे, कॉपी में सी के नीचे, ऐसे पे फॉर्मेट से एफ के नीचे अंडरलाइन लगा होगा, ये जो right. इसका मतलब है कि सर, जैसे मान लो कि अगर मुझे किसी फोल्डर में मुझे एक्सेल का एक वर्कबुक बनाना है, ठीक है, मैं माउस यूज नहीं करना चाहता, जैसे कि कंट्रोल शिफ्ट एन करते हैं तो नया फोल्डर बन जाता है, राइट, उसके लिए शॉर्टकट देखना पड़ेगा, या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि आप राइट ऑप्शन दबाया, यहाँ पे न्यू होता है, न्यू का शॉर्टकट दिख रहा है W, W किया और यहाँ पे दिख रहा है आपको एक्सेल डॉक्यूमेंट का, हाँ सर, मैं वही बोल रहा था कि मैं ऐसे तो करता हूँ, मैं न्यू में जा करके करता हूँ मैं, बट एक्चुअली मैं इसको यूज नहीं करना, जैसे मान लो कंट्रोल शिफ्ट एन करता हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट एन से क्या होता है कि मेरा फोल्डर बन जाता है, तो सर इसके लिए आपको विंडो में शॉर्टकट दिखना होगा, इसके लिए बताया, अच्छा मेरे पास शॉर्टकट का टेक्स्ट हुआ है, अच्छा, क्योंकि मैंने गूगल पर सर्च करा था मुझे मिला नहीं, तो उसके लिए क्या करना होगा कि आप विंडो की के साथ विंडो बटन जो होता है ना स्टार्ट बटन उसके साथ, हाँ जी हाँ जी, प्रेस कीजिए, आपको इसका एक्सेल का हेल्प टूल, इसका विंडो का हेल्प टूल पे चला है, अच्छा आ गया, ठीक है, इसका कुछ आ गया,
यहाँ पे सर्च, यहाँ पे भी है सर्च, तो यहाँ विंडो 8 में आ गया, तो विंडो 10 में था। यहाँ पे आप लिख सकते हैं शॉर्टकट, दिख रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, राइट राइट। तो सर इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप, कल हम डिस्कस करेंगे फाइल मेनू बार। अब कल से जो आपके जो कोर्स चलेगी ना सर, आप अपने कोर्स को इजीली ट्रैक कर पाएंगे, क्योंकि हम कोर्स को आपको मेनू बार अकॉर्डिंग चलेंगे। तो कल हम डिस्कस करेंगे फाइल मेनू बार के बारे में, फिर हम चलेंगे होम में, इंसर्ट पेज मेनू बार चलेंगे, तो आपको पता रहेगा कि आपका कोर्स कहाँ तक पहुंचा है, कल क्या टॉपिक होने वाला है और कल क्या। राइट, नो प्रॉब्लम। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए सर, कुछ मुझे डेटा सेट दे दोगे प्रैक्टिस करने के लिए? डेटा सेट की जरूरत नहीं है, आज आज आपको पढ़ना है लिमिटेशन एंड सॉर्टर। ओके, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद प्रोवाइड करूंगा, फिलहाल आपको इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, तो नेविगेशन जो आपने बताया, नेविगेशन में कहां से? वही कंट्रोल F1 से ना? हाँ, F1 से, वही नेविगेशन और शॉर्टकट्स, राइट? हाँ, शॉर्टकट्स। ओके फाइन, आपको और दूसरा आपका पढ़ना है शॉर्टकट, तो नेविगेशन एंड शॉर्टकट। ओके फाइन, ठीक है, तो दो चैप्टर पर कोई दिक्कत वगैरह होगा तो पूछ लीजिएगा। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं अभी मैं उसको करूंगा। ओके सर, ये रिकॉर्डिंग कहाँ पे सेव हो रही है सर? माय डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होकर माय डॉक्यूमेंट में सेव होगा, जूम फोल्डर में। माय डॉक्यूमेंट में, माय डॉक्यूमेंट के अंदर जूम फोल्डर। ओके सर, ओके, बाय, गुड नाइट। Bye bye, bye bye, good night.